वेलकम बैक फॉर अ न्यू एपिसोड इन द टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जहां पे मैं आप लोगों को स्क्रैच से एडवांस तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जो इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट दोनों में काम आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, कुछ मतलब 10-12 तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनको आज हम सीखेंगे, और इनको हम इंडिविजुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इनमें से 2-3 भी मास्टर कर गए और बाकी सबको छोड़ दिए और से बोले इसी को बैक टेस्ट करता हूं 2-3 साल का डेटा, तो आपको बहुत पॉजिटिव डेटा मिलेगा। और ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है कि लोग ट्रेडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ओवर एनालिसिस और पैरालिसिस कर देते हैं, ओवर घुस जाते हैं। तो अगर आप सिंपल रखोगे, तो एनीवेज अभी टाइम नहीं सिंपल रखने का, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपका टाइम है ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने ब्रेन को देने का। बाद में अपन समझेंगे कि अपने ट्रेडिंग प्लान को सिंपल कैसे बनाए। तो अभी चलो स्टिक करते हैं उस बात पे और स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले अपन गूगल करेंगे बेस्ट चार्ट पैटर्न्स, तो हमको वेबसाइट मिलेगी ये वाली, और मैं कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर सकता हूं। मैं इसे ओपन कर लेता हूं, ठीक है, forex.com बढ़िया दिख रही है। इसमें दिखा है कि 11 चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके का। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या, एक एक कैंडल रीड करना या 3 कैंडल रीड करना इवनिंग मॉर्निंग स्टार में। इसमें कैसा है, मल्टीपल कैंडल्स को रीड करना टुगेदर। तो अपन को यहाँ पे ये 11 पैटर्न्स पढ़ाएगा, आओ एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले आएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयर केस। एक बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है, बेसिकली सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो, स्टेयर केस मतलब एक सीढ़ी होती है। सीढ़ी कैसी होती है, अगर मार्केट में एक बॉल उठाई आपने, टेनिस बॉल, अच्छा फेंक दी सीढ़ी पे, तो कैसा करेगी, टप गिरेगी, ऊपर उठेगी, टप्पा खाएगी बोलते हैं कहीं से लोकल भाषा में, गिरेगी टप ऊपर आएगी। तो इस तरीके से गिरेगी, चढ़ेगी भी ऐसे अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा ट्रेड है जो मार्केट ट्रेंड पकड़ता है, तो हम इसके जो लोअर वाले पार्ट्स है यहाँ पे बाइंग और हायर वाले पार्ट में सेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेंड बता रहा है, नॉट अ वेरी यूजफुल वन, लाइक बहुत रेयरली यूज होता है। असेंडिंग ट्रायंगल सीखते हैं, ये बढ़िया है। आओ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट ना क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को हिट करता है आकर के। मार्केट आता है, इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर नीचे आता है, एक रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर नीचे आता है, हिट करता है, फिर नीचे आता है, हिट करता है, फिर नीचे आता है, हिट करता है, फिर नीचे आता है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे ना, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, हालांकि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये दोनों वीडियोस पेंडिंग है अभी भी आपके। जैसे ही इस वीडियो पे 12,000 लाइक्स का टारगेट खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते तक, आज जितना जल्दी कर दो उतने जल्दी टाइम फ्रेम और ये सारी चीजों का वीडियो आ जाएगा, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग वगैरह का। तो यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। तो जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, थोड़ी सी इसको सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो जो अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सेट नहीं हो रही, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाथ से ड्रॉ किया ना मैंने, क्योंकि इसको अपन यहाँ पे पैरेलल चैनल बना के सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ देखोगे कि गाइस कि ये जो लोज है, अगर ये लो है ये हाई है, तो ये जो लो है क्या ये हायर लो बन रहा है? तो आप देखेंगे यस, यहाँ पे मार्केट अपना एक बढ़िया हायर लो बना रहा है। हायर लो मतलब एक थोड़ी सी बुलिश बात है, बट हायर हाई बना रहा है क्या? हायर हाई यहाँ पे ये नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे एक बुलिशनेस दिख रही है, बट टोटल कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए हमको यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है। कई बार क्या लोग जल्दबाजी करते हैं और जल्दी सेट कर जाते हैं, बट दिस नॉट अ कंफर्म पैटर्न। कंफर्म तब होता है जब यहाँ पे बताओ कौन सी कैंडल मिलेगी, इस तरीके की बुलिश एंगल्फिंग यानी बड़ी वाली कैंडल मिलेगी। कैंडल का वीडियो आपने देखा होगा, एपिसोड नंबर 2 था, आई होप देखा होगा। यहाँ पे अपन बाय करेंगे, एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे कैंडल के नीचे डिपेंडिंग ऑन द कैंडल साइज, या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे डिपेंडिंग, और यहाँ पे ऐसे करके आके अपने एक ट्रेड बनाएंगे, लॉन्ग ट्रेड, जहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ टारगेट ऐसा 1:1.5 या 1:2 जब अपन को यहाँ पे सेट करना है, 1:5 या 1:2 आपका यहाँ पे सेट करना। दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ ट्रेड सेटअप ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखो यहाँ भी क्या हुआ, मार्केट गिरा, फिर धीरे धीरे करके कैसा है, एक हायर लो बनाया, एक हायर लो बनाया, और अब ये इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसको बोलते गाइस असेंडिंग। डिसेंडिंग ट्रायंगल एग्जैक्टली उसका उल्टा। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट पे आएंगे, मार्केट सपोर्ट लेता है, पुप अप अप, सपोर्ट लेता है, उठता है। लेकिन देखो जो हाई बना रहा है वो कैसे हाई बना रहा है, लोअर हाईज बना रहा है। लोअर हाई यानी कि जो छोटा, यानी मार्केट जल्दी, लोग सेलर जल्दी एक्टिव होके इसको सेल मार रहे हैं, जल्दी सेल मार रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगेन क्योंकि सपोर्ट बढ़िया लिया हुआ है उसने, कह नहीं सकते। कई बार ये उल्टा भी होता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए आपको जब तक एक रेड वाली कैंडल आपको यहाँ पे बढ़िया वाली नहीं मिलती, तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तीसरा पैटर्न बड़ा ही सिंपल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे करते 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 अपनी रेंज खत्म कर देता है, यानी कि ये न्यूट्रल पैटर्न है। ये ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है। आपको सिंपली इसमें ऐसे ऐसे करके एक वेट करना है ऐसी कैंडल बनने का कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को तोड़े, और जब ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो मार्केट पुश डाउन नीचे की तरफ मारेगा। तो दिस इज हाउ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वर्क्स।
अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हो और मैं दिखाता हूँ कुछ फ्लैग्स, दिखाता हूँ मैं आपको, आपको मैं कुछ फ्लैग दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के पैटर्न होते हैं, ठीक है। पहला कैसा होता है, बुलिश फ्लैग होता है। बुलिश फ्लैग में क्या होता है, मार्केट ना एक अच्छा ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ और उसके बाद एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करता है कुछ इस तरीके का। तो आप यहाँ पे आते हो, ये पैरेलल चैनल उठाते हो, इसको इस तरीके से करके आप एक नीचे की तरफ एंगल बनाते हो, उसको थोड़ा पीछे खींचते हो, तो इसको कैसा है, फ्लैग की तरह दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है फ्लैग झंडे की तरह, उसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये काफी अच्छा पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसी को बुल फ्लैग भी कहते हैं। बेयर फ्लैग की बात करते हैं, मार्केट नीचे गिरता है, मान लो ऊपर की तरफ ऐसा एंगल बनाता है, ऐसा एंगल बनाता है, तो इस पैरेलल चैनल उठाएंगे, इसको ऐसा सेट करेंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सेट करेंगे, बढ़िया दिख रहा है। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो हम इसको सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कि बड़ी एग्जांपल दिखा मेरे को, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ दिखा मेरे को बड़ी एग्जांपल। देखो गाइस, मार्केट पहले यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे की तरफ गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बढ़िया यहाँ पे फ्लैग बना, तो मार्केट ने एक बढ़िया फ्लैग पैटर्न बनाया, तो इस कैंडल पे हम सेल करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा फॉल डाउन मिलता है। तो दिस इज हाउ यू कैन शॉर्ट ओवर हियर, पुट स्टॉप लॉस ओवर हियर, टेक 1:2 टारगेट आराम से मिलता है, या कुछ लॉजिकल भी आते हैं, ये भी लॉजिकल, ये एरिया भी, इसको भी टारगेट बना सकते थे अपन ये, या तो फिर और देखना पड़ेगा पीछे लेवल्स, यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है, यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो दिस इज हाउ यू कैन टच करके मार्केट भागा उसको। तो इस तरीके से फ्लैग पैटर्न को बना सकते हो। वेज में क्या होता है, वेज में यहाँ पे जो मैंने टूल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने पैरेलल चैनल नाम का टूल यूज़ किया। देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैरेलल चैनल पे बढ़िया सेट हो गया। कई बार ये पैरेलल चैनल पे सेट नहीं होगा, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ बनता है, मार्केट कुछ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, कुछ इस तरीके का एक ऐसा बनाता है, तो अपन को क्या पे दो सिंगल ट्रेंड लाइन यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ ऐसा और हमने कुछ इस तरीके का यूज़ किया, देखो जब आप अपने मैनुअली इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसको वेज बोलते हैं, बट लगभग एक जैसी बात है। बेसिकली मार्केट नीचे जब कंसोलिडेट कर रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, यहाँ भी नीचे कंसोलिडेट कर ऊपर की तरफ, सेम बात ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे दुनिया का सबसे बेसिक पैटर्न डबल टॉप। मार्केट क्या करता है, आता है एक रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता रही है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस पे नहीं हो तो देखो आज ही मैंने इसमें बैंक निफ्टी में दिया था ट्रेड, भाई शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट हो गया, 10,000 लोगों ने देखा, टारगेट 1 डन, टारगेट 2 डन, और मैंने भी इसमें लगभग 1.6 लाख कमाए। तो अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो तो फिर लाइक आप मिस कर रहे हो बहुत कुछ। मेक श्योर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, तो अब डबल टॉप पढ़ रहे, कहीं ना कहीं डबल टॉप का ब्रेकडाउन, वो बेस्ट डबल टॉप कैसा होता है, जब मार्केट एक बड़ी बुल रन मारता है उसके बाद एक गिरता है, तो ये पहली जो गिरावट होती है, ऑब्वियसली मालूम नहीं था गिरने वाले, तो पहले से शॉर्ट कर देते, तो पहली गिरावट के बाद अपन को मालूम होता है अपन लाइन खींच सकते हैं कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आता है और कहाँ लाइन खींचना है, विक पे की बॉडी पे, आपको बॉडी पे प्रेफर कर रहा है, मार्केट इसको हिट करता है सेरे को और फिर थोड़ा सा नीचे आता है, तो यार यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सेम लेवल से, और देखो जब ये ऐसा बनाएगा तो ओके ऑब्वियसली बात है, दुनिया में अकेले आपके लैपटॉप पे नहीं हो रहा है, मोबाइल पे दुनिया देख रही है। जब दुनिया देखती है कि भाई ये जो भी $100 लेवल पे या रुपी लेवल पे गिरा है बढ़िया ये, तो भाई दोबारा भी तो गिर सकता है वहां से। अगर दोबारा गिरता है, ऐसा ही अनुमान लगा रहे, गिरता गिर गया और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट टूटा, छोटा सपोर्ट मतलब इसको आप यहाँ पे नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन अभी इंग्लिश का वर्ड है, आपको बोलना बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, बट नेक लाइन इज नथिंग बट अ माइनर सपोर्ट, और यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल से ब्रेकडाउन मिलता है बढ़िया वाली ऐसा वाला, तो हम यहाँ पे सेल करने जाएंगे, हम इसको सेल करेंगे। और ये पैटर्न फॉरेक्स में भी काम करता है, ये पैटर्न इंडियन मार्केट में भी कॉल काम करता है, आप इन दोनों में यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेल किया, आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड को क्लिक कर रहे हैं, शॉर्ट पे क्लिक किया और स्टॉप लॉस डाला इसके ऊपर, टारगेट को कोशिश करोगे 1:2 बनाने का, दिस इज हाउ यू इनिशिएटेड। बट देयर इज सिंपल कि मार्केट एग्जैक्ट लेवल से इसको करना चाहिए और नेकलाइन तोड़ना चाहिए। कई लोग क्या, जैसे मैं खुद एज अ बिगिनर गलती करता था, मैं जल्दबाजी में यहाँ पकड़ने की कोशिश करता था। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पकड़ने पे मैं यहाँ पकड़ने की कोशिश करता था कि भाई यहाँ पकड़ूंगा बड़ा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा बड़ा, लेकिन क्या होता था मैक्सिमम टाइम क्या करता था मार्केट मेरा, यहाँ पे मार्केट आता था, नेकलाइन नहीं तोड़ता था और सीधे ट्रेंड कंटिन्यू कर देता था डबल यहाँ पे ऐसा, तो मेरे बहुत स्टॉप लॉस हिट हुए। तो मेक श्योर यू डोंट डू दैट बिगिनर मिस्टेक हड़बड़ी में जल्दी जल्दी ट्रेड करने का, ऑलवेज मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, ये वाला प्रॉपर M बनने का वेट करोगे, M के बाद ही आप ट्रेड करोगे इस तरीके। डबल बॉटम उसका उल्टा W पैटर्न सिंपल कहता है भाई ये देखो मार्केट है, सपोर्ट है, मार्केट ने ऊपर उठा, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से वापस आया, सपोर्ट लिया, अब क्या टूटना चाहिए, इसे नेकलाइन टूटनी चाहिए, ये नेकलाइन टूटनी चाहिए, जब ये नेकलाइन यहाँ पे बूम टूटेगी
तो अब यहाँ पे एक लॉग ट्रेड बनाएंगे इस जगह पे, जब लॉग ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसा अपना वरिष्ठ टू बनाएंगे। दिस इज हाउ यू ट्रेड द डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न। अच्छा एक बात बताओ, एडवांस पैटर्न क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली नहीं टूटा कोई बात नहीं, कुछ मत करो जब तक रेंज के अंदर है, भाई ट्रिपल बॉटम बना गया वहां पे ट्रिपल टॉप, तो भाई ये ट्रेड ले लो। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम। ओके तो दिस वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट इज अ गुड विन रेट, हेड एंड शोल्डर एक बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डबल टॉप का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पे क्या होता है मार्केट रेजिस्टेंस लेता है फिर यहाँ पे आता है। तो क्या होता है कि भाई देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है, ब्रेकआउट या रिवर्सल। ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे रीटेस्ट में फेल हो जाता है, अंदर घुस जाता है, काफी नेगेटिव बात है बुल्स के लिए, फिर से बुल्स के लिए नेगेटिव बात हुई। और अगेन जब यहाँ पे मार्केट ऐसा टूट जाता है, इस नेकलाइन को तोड़ दो, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्या हुआ, ये एक इंसान का शोल्डर दिख रहा है, दो लेफ्ट राइट और ये बुड्ढी, तो इस तरीके से करना किसी ने HNS हेड एंड शोल्डर रख दिया, तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, बेरिश पैटर्न है ये भी। राउंडेड टॉप एंड बॉटम, अब ये राउंडेड टॉप बॉटम क्योंकि मार्केट क्या होता है ऊपर जाता है और एक रिवर्सल मार देता है, सिंपल बकवास और बोरिंग पैटर्न है, रेयरली वर्क्स, उससे लिटिल बेटर कप एंड हैंडल। यहाँ पे क्या होता है राउंडेड टाइप, देखो यहाँ पे क्या होता है राउंडेड बॉटम और कपर हैंडल में डिफरेंस बताता हूँ। मार्केट ऐसा आता है राउंडेड, नीचे गिरा तेज, फिर साइडवेज हुआ फिर ऊपर उठा। अब ये क्राउडेड बॉटम है, वहां पे नेगेटिव था, मैं आपको पॉजिटिव वाला बना के दिखा दिया। अब कपर हैंडल क्या होता है, वहां पे सिर्फ एक पुल बैक आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करता चीप पैटर्न की तरह, यहाँ मार्केट एक हैंडल बनाता है ऐसे करके। हैंडल क्या करते हो आप, यहाँ पे आके ऐसे हैंडल की तरह बना सकते हो, तो आपको कैसे दिख रहा है कप ऐसे पकड़ सकते हैं ना कप को अपन ऐसा, तो एक कप एंड हैंडल, बट स्टिल बेटर क्योंकि यहाँ पे कैसा ये वाला पार्ट एक फ्लैग बन रहा है, तो ये फ्लैग ब्रेकआउट होगा तो हमें बाय करेंगे। तो दिस इज हाउ अ चार्ट पैटर्न वर्क। तो खत्म हो गया गाइस, अभी ये सब फालतू बात है, बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन ये सारी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, आपको गिफ्ट दूंगा, मेरा गिफ्ट क्या, जैसा मेरे पेड कोर्स में मैं लोगों को नोट्स देता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करने लगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि मेरा अकेडमी में किस तरीके से चीज़ें डिलीवर करता हूँ। अब अगर आप बिगिनर हो, आई होप यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द सीरीज, जैसे ही इस वीडियो में 12,000 लाइक आएंगे टाइम फ्रेम में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और भी बहुत सारे वीडियो बने ट्रेंड लाइन और बहुत सारे बच्चे इंडिकेटर्स वगैरह कौन से इंडिकेटर अच्छे होते हैं, क्योंकि देखो कोर्स है तो सब कुछ डालना ही है मेरे को, तो फ्री कोर्स चल रहा है, सब्सक्राइब करके रख लो, सब्सक्राइब करके रखोगे 200 शेयर भी कर दो, इनफैक्ट जो ये कई लोगों के पेड कोर्स से ज्यादा बेटर सीरीज है गाइस, एंड प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक सो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और आपको एक कोर्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताओ और शेयर कर दे। फाइनली टारगेट हिटों का नया वीडियो आएगा। अब अगर आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर समवन हू इज रियली लुकिंग आउट, जैसे मैंने जब सीखना चालू किया था तो मैं तो सीधे बेस्ट अकेडमी ढूंढ रहा था सीखने के लिए कि टाइम बचेगा, तो मेरी अकेडमी है जहां पे मैं ट्रेडिंग विद डेटा साइंस नाम का मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे मैं ये सब तो आपको फ्री में दे दे रहा हूं, सोच के देखो तो वहां पे ऐसा क्या पढ़ा रहा होगा, वहां पे बहुत ज्यादा पेटेंटेड डेडिकेटेड स्ट्रेटजीज है जो निफ्टी पे काम करती, बैंक निफ्टी में काम करती, ऑप्शन सेलिंग में भी काम करती, ऑप्शन बाइंग में, इक्विटी में काम करती, फॉरेक्स में काम करती, गोल्ड में काम करती, क्रूड ऑयल में काम करती, बिटकॉइन सुपर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, फेयर वैल्यू के सारी चीजें मैं एडवांस करके मैं पढ़ाता हूं, वो भी बेसिक से। तो अभी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हो, टीम से काउंसलिंग ले सकते हो और सारे डिटेल ले सकते हो। हालांकि पैसे की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, देन डोंट डू द कोर्स, मैं अपने मुंह पे कह रहा हूँ, आप अगर आप छोटे हो 15-17-16 साल के हो, डोंट डू इट, यू विल लूज योर, अभी फोकस पढ़ाई पे करो, फ्री में सीखो यूट्यूब से, जैसे 18 के हो जाओगे यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेक श्योर कि चेकआउट कर ले डिस्क्रिप्शन पे जाके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, अकाउंट्स यूज कर ले, बेस्ट ब्रोकर फॉरेक्स के लिए बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस होता है, मेरे थ्रू लिंक ओपन करने के बहुत बेनिफिट्स है जो आपको धीरे धीरे मालूम चलने लगेंगे जब आप मेरे कम्युनिटी में आ जाओगे, तो ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।